तो तमाम सावधानियां बरतनी होगी क्योंकि अब प्रशासन की तरफ से, अब अलग अलग राज्यों में सरकारों की तरफ से सख्ती बढ़ाई जाने लगी है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में डराते हैं आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 500 केस रिकॉर्ड किए गए, 172 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं जबकि एक मरीज की मौत की भी जानकारी है। ओमिक्रॉन के 142 केस, कोरोना की बढ़ती रफ्तार दिखाई दे रही है। ओमिक्रॉन के 142 केसेस बताए जा रहे हैं जबकि अगर कोरोना की बात की जाए लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहा है। 7 दिन में ये संकट कैसे बढ़ा है अब इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए मंगलवार को 496 आंकड़ा रहा जबकि सोमवार की हम बात करते हैं 331, रविवार को 290, शनिवार को 249, शुक्रवार को 180 मामले रिकॉर्ड हुए। गुरुवार की बात करें तो 118 मामले रहे जबकि बुधवार को 125 केसेस रिकॉर्ड हुए। तो 7 दिनों में किस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उसके आंकड़े भी हमने आपके सामने रख दिए हैं। अविनाश मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अविनाश, क्योंकि लगातार कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, कई देशों में इसके आंकड़े बता रहे हैं। दिल्ली की बात करते हैं, कितनी सख्ती बढ़ाई गई है और इन सख्तियों को लेकर, क्योंकि लोगों से भी आप लगातार बातचीत कर रहे होंगे, क्या कहना है इन पाबंदियों को लेकर क्योंकि नए साल का आगाज भी होने जा रहा है। जय, अगर बात करें जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद दिल्ली सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए कल कई सारी शक्तियों को लागू किया। अगर कल की बात करें तो 31 मई 2021 के बाद यानी तकरीबन 6 महीने के बाद 490 केसेस आए और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो इसके बाद दिल्ली सरकार ने तमाम सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और बातचीत में निर्णय लिया गया कि तमाम सारे जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उनको बंद किया जाए, जैसे कि सिनेमा हॉल है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिम को भी बंद कर दिया गया है, इंडोर योगा सेंटर को भी बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ मॉल है, मॉल तो खुले रहेंगे लेकिन वहां पे जो दुकानें हैं वो ऑड और इवन के अनुसार खुलेंगी, यानी कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी। मॉल के अंदर भी 50% कैपेसिटी कर दी गई है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां पे भी कटौती करते हुए 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का आदेश दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे थे। चूंकि दिल्ली में बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और तमाम सारे जो यात्री विदेश से आ रहे थे उनके अंदर भी कई सारे यात्रियों में संक्रमण पाया गया है जिनको कि दिल्ली के जेपी अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने एयरपोर्ट पर भी चौकसी बढ़ाई है, वहां पर भी लगातार जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी जांच कर रही है और उनके जांच करने के बाद ही उनको अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए दे रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी भीड़ कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने खासतौर से दिल्ली पुलिस और इसके अलावा जो दिल्ली की सिविल डिफेंस है इसको भी आदेश दिया है कि वहां पर भीड़ न एकत्रित हो किसी भी मार्केट में, चाहे वो सरोजिनी नगर की मार्केट हो, जनपद मार्केट हो। क्योंकि पिछले हफ्ते जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद लगातार लोग चर्चा कर रहे थे कितनी ज्यादा भीड़ बाजार में उमड़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने एहतियातन कदम उठाए और इसके साथ साथ जो नए साल की तैयारियां दिल्ली के अंदर चल रही थी उस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि केसेस लगातार अब बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरियंट जब से आया है उसके बाद से रफ्तार में थोड़ी तेजी भी देखी गई है और तमाम सारे विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगले एक महीने में और ज्यादा केसेस निकल कर सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने ये तमाम सारे कदम उठाए। आज भी अगर बात करें तो अपने तमाम सारे विशेषज्ञों के साथ दिल्ली सरकार बैठक करेगी जिसमें एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि और आगे किस तरीके से एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि ज्यादा संक्रमण ना फैले, केसेस को कंट्रोल रखा जा सके। क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई थी सभी देश के सभी वासियों ने देखा था कि लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, तो ऐसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो इसके लिए तमाम तरह एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है आगे की स्थिति को भापते हुए क्या फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, आप बने रहिए अविनाश हमारे साथ।